हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको पैंट की कटिंग सिखाऊंगी। इसके लिए मैंने 2 मीटर कपड़े लिए हैं और मैंने इसको डबल फोल्ड में फोल्ड कर लिया है। देखिए इस तरह से मैंने इसको ये चौड़ाई के हिस्से में फोल्ड किया है। इस तरह से देखिए, और हम 2 इंच यहाँ ऊपर से बेल्ट फोल्ड के लिए निकाल देंगे। उसके बाद में हम अपनी लंबाई रखेंगे। हमारी लंबाई है 38 इंच, तो इसमें हम 1.5 इंच नीचे मोहरी के लिए रखेंगे, तो ये हो गया 39.5। यहाँ पे 39.5 हम निशान लगा लेंगे और इस तरफ भी ऐसे 39.5 पे हम निशान लगा लेंगे और इस लाइन को सीधा कर लेंगे। तो हम अपने हिप का नाप रखेंगे, तो हमारी हिप है 52 और हम इसमें 4 इंच क्लोजिंग के लिए रखेंगे, तो हो जाएगा ये 56 और 56 का चौथा हिस्सा होता है 14, तो हम यहाँ पे 14 इंच पे निशान लगा देंगे। इसके बाद में हम आसन के लिए रखेंगे यहाँ ऊपर से लेना 16 इंच पे नया निशान लगा लेंगे। ये 16 इंच में से हमारा ये आधा इंच नीचे सिलाई में चला जाएगा और ये 2 इंच ऊपर फोल्ड में नेफे में चला जाएगा, और उसके बाद में ये हमारा ये 15.5 इंच 14.5 इंच बच जाएगा। ये होगा हमारा और हम यहाँ पे 2 इंच ये मियानी के लिए रखेंगे। दो इंच ऐसे करके और हम इसको इस तरह से, आप हाथ से भी गुलाई दे सकते हो, नहीं तो आपके पास इस तरह से स्केल हो तो आप इसको ऐसे रखे सिलाई दे सकते हैं। उसके बाद में हम इस तरह से एक टेढ़ी पट्टी लेंगे और तो अब हम अपनी मोहरी का नाप लेंगे और मेरी मोहरी है 6.5 इंच, तो हम यहाँ 1 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे सिलाई के लिए, तो हम यहाँ रखेंगे 7.5 पे निशान लगा लेंगे और हम एक ऐसे टेढ़ी वाली पट्टी लेंगे इस तरह से और उसको यहाँ इस निशान से रखेंगे और इस निशान से रख के इस तरह से ऐसे एक निशान लगा लेंगे इस तरह से, और फिर हम इसको यहाँ से ऐसे कट कर लेंगे। साइड रखेंगे और इस कपड़े को भी
तो देखिए फ्रेंड्स, हमने इसको अच्छी तरह से ऐसे बिछा लिया, इसके बिछा लिया कपड़े को, और फिर इसके ऊपर हमने ये अपना आगे की कटिंग इसके ऊपर ऐसे रख लिया। अब हमें क्या करना है, यहाँ से ये हमें 2 इंच ऐसे एक्स्ट्रा लेना है नीचे के लिए, ताकि बैठने उठने में दिक्कत ना हो। 2 इंच यहाँ भी 2 इंच देखे पर हमने ये 2-2 इंच करके यहाँ पे ऐसे मिला लिया है यहाँ। उसके बाद में हम यहाँ पे इसको ऐसे गोलाई दे देंगे इस तरह से। देखिए फ्रेंड्स, हम ऐसे चिड़ी की पट्टी लेंगे और इसको यहाँ रख के इस निशान से, और यहाँ पे सीधा, यहाँ पे हमें ज्यादा नहीं लेना है, यहाँ पे हमें सीधा ही रखना है, और फिर इसको इस तरह से ऐसे मिला देना ताकि हमें फिटिंग सही से आए, और फिर अब इसको हमें कट कर लेना है। देखिए फ्रेंड्स, अब हम जेब निकालेंगे, और जेब के लिए हमने कपड़ा काट रखा है जिसकी लंबाई है 6.5 इंच, सॉरी चौड़ाई 6.5 इंच है, और इसकी लंबाई है 13 इंच। तो हमने इसको डबल में फोल्ड कर रखा है देखिए, और हम एक ही जेब निकालेंगे। अगर आपको 2 जेब निकालनी हो तो इस तरह के 2 टुकड़े होने चाहिए, या कपड़ा 4 तह में होना चाहिए, और हम इसको यहाँ से ऐसे 2 इंच गोलाई के लिए करेंगे, और इसको फिर यहाँ से ऐसे गोलाई करके इसको ऐसे ऐसे मिला के इस तरह से इसको हम काट लेंगे। आप नहीं चाहे तो गोलाई ये बिना ही काट सकते हैं, सीधा भी लगा सकते हैं, और अगर आपको इस तरह पसंद है सीधा लगा लो, नहीं तो इसको इस तरह से गोलाई देके इसे इस तरह से हम काट लेंगे। और उसके बाद में इसको फिर हम स्टिचिंग दूसरे पार्ट में डालेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे पैंट कट के रेडी हो चुकी है, और हमने जेब भी काट लिया है। मैंने इसमें सिलाई का वीडियो नहीं डाला है, अगर आपको सिलाई का वीडियो देखना है तो हमारी आईडी में जाकर देख सकते हैं, और अगर आप हमारे चैनल में नए आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।